जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। याद हुई बच्चों कविता? जी दीदी। किस किस को याद हो गई? सबको याद हो गई है जी। बहुत अच्छे। ज्योति सुनाएगी कविता अपने साथियों को? सुनाइए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसे ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। शाबाश श्रुति, बैठिए। अदीब आप सुनाइए, खड़े होके सब बच्चों को सुनाइए जोर से। सूरज चांद बनाया, सुनाइए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसे ईश्वर के गुण गाएं, हम उसे प्रेम से शीश झुकाएं। शाबाश, आप भी एक लाइन भूले, जिसने चिड़ियों को चहकाया। ठीक है, सब बच्चे एक बार फिर से याद करेंगे। अच्छा बच्चों, ये देखिए इसमें क्या क्या बना है। सूरज बना है, चिड़िये हैं, बच्चे हैं, चांद है, तारे। अब हमें ये बताइए, सीता बताएंगी कि इसमें सूरज कहाँ है। आइए सीता बताइए, इस चित्र को देख के बताइए सूरज कहाँ है। ये है सूरज। शाबाश। और अब सुनीता बताएंगी इसमें चिड़िये कहाँ है। ये तो बेटा मोर है, चिड़िये यहाँ है। कहाँ है चिड़िये? ये है चिड़िये। अच्छा, जब सुबह सो के उठते हैं हम लोग, ची 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 की आवाज आती है, कौन बोलता है? चिड़िया। चिड़िया बोलती है? कौवे तो नहीं बोलते? कौवे तो नहीं बोलते? नहीं। कौवे कैसे बोलते हैं? काव काव। चिड़िया कैसे बोलती है? ची 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 ची। जब आप अपने बगीचे में जाते हैं, घर में बगीचा है जी दीदी, घर के बाहर कहीं बगीचा है जी दीदी, फूल लगे हुए हैं जी दीदी, कभी सोचा आपने फूलों में से क्या निकलती है? जी दीदी, महक निकलती है। क्या निकलती है? महक। उसको क्या कहते हैं? खुशबू। फूलों की खुशबू। अच्छा, ये सब चीजें किसने बनाई है? ईश्वर। चांद, सूरज, तारे, फूल, चिड़िया, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। तो हम सब लोग मिलके ईश्वर की वंदना करते हैं, उसको प्रेम से शीश झुकाते हैं। अच्छा, ये बताइए अदीप, बताइए आप दिशाएं कितनी होती हैं? चार। कौन कौन सी होती बेटा, सबको बताइए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर, दक्षिण। अच्छा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं। आप बताइए, सरिता बताइए, सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब। पूरब से। सूरज किस दिशा से निकलता है बेटा? पूरब। पूरब से निकलता है। अच्छा, आसमान में कौन रहता है जिसको हम सब लोग मामा कहते हैं? चांद। चांद किस समय निकलता है बेटा? रात में निकलता है। चांद के आस पड़ोस में कौन रहते हैं? तारे। तारे क्या करते हैं रात में? टिमटिमाते हैं। सबको अच्छे लगते हैं?
सारे बच्चों को अच्छे लगते हैं? जी दीदी। बच्चों एक बार हम लोग फिर से कविता का पाठ करें? जी दीदी। सब लोग जाके अपने घर पे एक बार फिर से कविता याद कीजिएगा। जी दीदी। कविता में क्या क्या बताया गया उसको याद करिएगा, ठीक बेटा? जी। अब हम लोग एक बार फिर से कविता पढ़ते हैं, ठीक है? घिसने सू